नमस्कार दोस्तों, नॉलेज आईक्यू टीवी में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। EIBRF ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखा है, अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ बैंक रिटायरीज। इस चिट्ठी में पहले ही बता रहे हैं, सर आपका गवर्नमेंट में बहुत कुछ अच्छा हुआ है और आपका लीडरशिप बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से आप लास्ट 10 साल से हमारे कंट्री को रूल कर रहे हो वो देखने का लायक है। पहले ही हमारे रेस्पेक्टेड मोदी जी को एक ऑनर दिया, उसके बाद वो लोग बता रहे हैं, बैंक पेंशनर आर ऑल्सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि ग्रेटफुल बता रहे हैं, ऑनर पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो फैमिली पेंशन है वो आपके गवर्नमेंट का जो FM है उन्होंने अप्रूव किए थे। तो फिर से आपको हम एक अभिनंदन जनाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो फैमिली पेंशनर है वो उसका फैमिली पेंशन इंक्रीज हुआ है और वो लोग अच्छे तरीके से अपने घर परिवार और संसार को आगे लेके जा रहे हैं। उसके साथ साथ और एक चीज में भी थैंकफुल बोला हमारे ऑनरेबल PM को, वी आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर शोइंग सिंपैथिक कंसर्न टुवर्ड लॉन्ग पेंडिंग इशू ऑफ पेंशन अपडेशन ऑफ बैंक रिटायरीज। उसके साथ साथ उन्होंने बताया, हाई लेवल कमिटी At industry level has been formed by Indian Bank Association to consider issue of updation. It may be placed your kind information that absence of updation bank retirees are subject to vast gross discrimination and grave injustice. Discrimination between two sets of retired have increased to 15 times. उसके साथ साथ हमारे ऑनरेबल PM को और एक भी चीज बताया, जो पेंशन स्कीम है, जो पेंशन फॉर्मूला है वो RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पेंशन रूल्स है उसी के हिसाब से हमारी भी पेंशन अपडेशन उस टाइप से ही होना चाहिए जो राज्यसभा में बहुत सारे MP और MLA बताए थे। और हम लोग ऑनरेबल FM को भी इस चीज के बारे में बताया है, IBO को भी बताया है, लेकिन ऑनरेबल PM अभी तक हमारे पेंशन अपडेशन के बारे में कोई भी स्टेप नहीं लिया हमारे सो कॉल्ड IBO ने। तो हम लोग चाहते हैं ऑनरेबल FM, ऑनरेबल PM, आप लोग आप इसके ऊपर हस्तक्षेप कीजिए और हमारे जो चर्चित पेंशन अपडेशन का इशू है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए और हमारे रिटायरीज को जस्टिस मिले। दोस्तों, ये चीज बता के उन्होंने और एक चीज भी बताया, 5 लाख पेंशनर और सीनियर सिटीजन का सिंपैथी इसके ऊपर जुड़े हुए हैं। तो आपका फाइनल डिसीजन के ऊपर हम लोग वेट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से EIBRF ने मेल लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, आप ही देखने के बाद है PM का ऑफिस से क्या रिप्लाई आते। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए नॉलेज IQ TV के साथ। थैंक यू।